दोस्तों, पहले चरण के वोटिंग्स के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की नींद चैन सब कुछ हराम हो चुकी है। उनको दिखने लग गया है कि भाजपाई लहर, मोदी लहर सब हवा में उड़ गया है, क्योंकि अब कोई लहर बचा ही नहीं है। जनता किस लहर में बह रही है वो भाजपाइयों को पता चल गया है, क्योंकि उनके कट्टर वोटर्स ने भी इस बार भाजपा को वोट नहीं किया। दरअसल दोस्तों, पहले चरण के मतदान में ये सामने आया आंकड़ा, जिस तरीके का वोटर्स ने वोट किया है उससे साफ पता चला है कि 2019 लोकसभा चुनाव से भी कम इस बार वोटर्स ने वोट किया है। यानी कि आप सीधे समझने की कोशिश कीजिए कि जो भाजपा के कट्टर वोटर है, जो भाजपा को छोड़कर और किसी को वोट नहीं करते, उन्होंने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। जी हाँ, उन्होंने भी लगता है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। इस बार वोटिंग प्रतिशत में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट नज़र आई है और आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दूसरे चरण में प्रधानमंत्री की हड़बड़ाहट ने बता दिया है कि वो कितने घबरा गए हैं, कितनी हड़बड़ाहट उनके चेहरे पर नज़र आ रही है। इसीलिए तो मुस्लिम लीग से उनका भाषण शुरू हुआ और मुसलमान पर आकर उस दिन यानी कि परसों राजस्थान की रैली में ख़त्म हुआ। मुसलमान मटन, मुर्गा, मछली, मुग़ल सब ले आए और मुसलमानों को भी घुसपैठिया करार दे दिया। इस देश के 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों को सीधे तौर पर घुसपैठिया कहते हुए नज़र आए प्रधानमंत्री जी। हड़बड़ाहट साफ दिख रही है, बौखलाहट साफ दिख रहा है कि वो किस तरीके से चुनावी जो प्रतिशत जो आंकड़े आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही है। अब इसी को लेकर, जी हाँ, ना नींद आ रहा है, ना करार आ रहा है, ना चैन आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से बौखलाहट में है। मीटिंग्स पर मीटिंग हो रहा है दोस्तों, अब वो भी रात में, आधी रात में ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। करे तो क्या करे, जितनी स्ट्रैटेजी इन्होंने तैयार की थी वो सारी स्ट्रैटेजी जो है वो फिसड्डी साबित हो रही है। अब आपको बड़ी जानकारी दे दे दोस्तों कि जेपी नड्डा के घर पर जो है रात में मीटिंग्स बुलाई गई है। तमाम बड़े नेता आनन फानन भागते हुए नजर आए हैं और इस खबर को खुद एबीपी न्यूज़ के हवाले से शेयर करते हुए साझा किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हड़बड़ाहट बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, एबीपी न्यूज़ ट्वीट करते हुए लिखता है कि ब्रेकिंग न्यूज़, लोकसभा चुनाव पर भाजपा की बड़ी मीटिंग जो है फिर से शुरू हो गई है। पहले चरण में कम वोटिंग को लेकर समीक्षा की जा रही है, अगले चरण की बनाई गई नई रणनीति पर काम की जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है, ऐसा एबीपी न्यूज़ की तरफ से लिखा जा रहा है कि देर रात जेपी नड्डा के घर पर मीटिंग हुई जिसमें अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। आधी रात को भागते भागते मीटिंग हुई है। इन लोगों की नींद चैन सब खत्म हो गई है, क्योंकि पहले चरण में कम वोटिंग जो बीजेपी की नींद उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है, अब नारा कितना आगे जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है, मंथन चिंतन तमाम चीज़ें जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे मंथन चिंतन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जमकर जो हड़बड़ी है, जो घबराहट है, वो साफ तौर पर जो है नज़र आ रहा है। दोस्तों, राजनाथ सिंह बंगाल में जाकर कह रहे हैं कि एक बार भाजपा का झंडा लहरा दो, फिर किसी माई के लाल में दम नहीं है कि संदेश खाली जैसा कोई घटना हो। अरे राजनाथ सिंह जी, ज़रा मणिपुर पर भी चिंता जाहिर कर लीजिए। बंगाल में माना कि आपकी सरकार नहीं है, लेकिन मणिपुर में आपकी गठबंधन वाली सरकार है। वहाँ पर कौन सा माई का लाल जाकर कब वहाँ पर तमाम चीज़ें ठीक करेगा ये भी ज़रा बता दीजिए। जहाँ पर भाजपा का झंडा नहीं है सिर्फ उसकी चिंता है, और जहाँ पर झंडा है उसकी चिंता कौन करेगा? आप तो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप मणिपुर पर चिंता जाहिर कीजिए, वहाँ के हालात को सही कीजिए। वहाँ पहले चरण के मतदान में क्या हाल हुआ है वो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके के हालात वहाँ पैदा हो गए हैं। खैर, चुनावी सभाओं का दौर जारी है, आगे भी जारी रहेगा, आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की घबराहट देखिए, रातों रात वाली मीटिंग देखिए, आगे लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हो क्या रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।